Now I'm sharing the screen with you. कल बच्चे हमने नंबर के सारे जो आपके मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ हैं फंक्शन और जो कांस्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं वो देखी थी. टुडे वी विल सी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्ट्रिंग, मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्ट्रिंग. तो ऑब्वियसली स्ट्रिंग बनाने के लिए कौन सा कीवर्ड लगता है स्ट्रिंग बनाने को? स्ट्रिंग बनाने के लिए कौन सा कीवर्ड लगेगा बच्चे? सो वेयर कीवर्ड यूज होगा. बिल्कुल सही. वेयर, लेट्स से मैंने एक स्ट्रिंग बनानी है str1. दिस इज स्ट्रिंग और ऑब्वियसली इसको डिस्प्ले करवा सकते हैं हम. One thing I want to tell you, bache, about your assignment. Firstly, LMS पर ही वो अपलोड होगी. द सेकेंड थिंग इज दैट के आप की अगर अपलोड नहीं होती है तो आप अपने किसी फ्रेंड को कह सकते हो कि आपका लॉगिन, अगर आपके नेटवर्क इशू है तो आप अपने फ्रेंड को व्हाट्सएप पर सेंड करो और वो अपलोड कर दे, ठीक है? या आप थोड़े सा पेशेंस से अपलोड करो, बहुत ज़्यादा हैवी ना बनाओ अपनी फाइल्स को. 2 या 3 MB से ज़्यादा आपके, आई थिंक 5 पेज भी अगर आप रखते हो तो वो 2 या 3 MB से ज़्यादा नहीं होंगे. इन केस वो 2 या 3 MB से ज़्यादा 10-15 MB की आपकी फ़ाइल बनती है, आप ऑनलाइन उसको कंप्रेस कर दो, ठीक है? आपकी 10 MB की फ़ाइल जो होगी वो 1 या 2 MB की बन जाएगी आप ऑनलाइन कंप्रेस करोगे तो. और 1 या 2 MB को भी अपलोड होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है. इवन आपके नेटवर्क इशू भी होगा तब भी 5 मिनट के अंदर अंदर आपकी 10 MB की फाइल भी अपलोड हो सकती है. डोंट वरी अबाउट दैट. थोड़ा सा वो आई नो लोडिंग होती रहती है काफ़ी टाइम, बट इट इज़ प्रोसेसिंग एट द बैक एंड. वो आप चलने दिया करो, थोड़ा सा वेट किया करो. एक और वे भी है बच्चे स्ट्रिंग को बनाने का, अगेन बट अगेन नॉट रिकमेंडेड. आप स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर को यूज करके आप स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बना सकते हो ऐसे, ठीक है? यहाँ पर आप जो भी वैल्यू दोगे वो स्ट्रिंग में आ जाएगा. इज इट ओके? बट ऑब्वियसली नॉट अ रिकमेंडेड वे. जैसे आपने नंबर डिफाइन किया था वैसे ही आप ये भी डिफाइन कर सकते हो. लेट्स see what's our output here. Okay, welcome to string ही आ रहा है क्योंकि यहाँ string 2 नहीं किया था, ठीक है? But obviously the simple way is the better way in case of JavaScript. ये इतनी चीज बच्चे पता लगी. First of all आई थिंक ग्रैस्प करने में थोड़ा सा, याद करने में और समझने में प्रॉब्लम होती है, तो आज हम बहुत थोड़ा थोड़ा करेंगे, ठीक है? आज 12:15 बजे वाले लेक्चर में और 4:15, इन दोनों लेक्चर्स में हम स्ट्रिंग को ही डिवाइड करेंगे, आधा आधा करेंगे. कल हम एरे को करेंगे आधा आधा डिवाइड, या एक ही लेक्चर में हो जाए तो बढ़िया है, नहीं तो आधा आधा डिवाइड करके कल करेंगे. फिर डेट आएगा हमारा, एक ऑब्जेक्ट,
और उसके बाद फाइनली आप रेगुलर एक्सप्रेशन करोगे। इज इट ओके? आगे मूव करें? यस यस सर। कुछ 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 आपके मेथड्स होते हैं, अब वो मेथड ही हम देखेंगे। बेसिकली हम किसी चीज में डाल के वो देखेंगे कि उसकी आउटपुट क्या आती है, ठीक है? तो हम लेट से स्ट्रिंग वन में आप कुछ करना चाहते हो, तो हम जो भी अपना ऑपरेशन है ना वो स्ट्रिंग वन के ऊपर करेंगे। तो एक तो हम पहले लेंथ फाइंड आउट करेंगे, देखते हैं लेंथ कैसे आती है। लेट्स सी, ये देखो 23 है लेंथ। तो हम काउंट करते हैं बेसिकली, पहले तो ये देखो 1 2 3, वेलकम के 7 कैरेक्टर्स हैं, फिर स्पेस 8, 2 के 2 कैरेक्टर हैं 10, स्पेस 11, द के 3 कैरेक्टर हैं 14, स्पेस 15, मीटिंग के 7 कैरेक्टर हैं 22, और एक एक्सलान विशन का साइन 23 टोटल हो गए आपके। ठीक है स्टूडेंट्स, 20 आपके कैरेक्टर हैं, 3 आपके स्पेसेस है। इसमें वो नल वाला नहीं होता है, जैसे आप सी प्लस प्लस में अब देखते थे ना, कैरेक्टर का एरे बनता था और लास्ट वाला जो एलिमेंट होता था वो स्लैश जीरो होता था, बैक स्लैश जीरो होता था, ये वाला नल कैरेक्टर वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है या काउंट में नहीं आता है। इज इट ओके? यस सर। आगे मूव करें थोड़ा सा और आगे देखते हैं। अगेन सेम वेरिएबल को यूज करते हैं स्ट्रिंग से, और क्या क्या कर सकते हैं हम, पहले हम थोड़ा सा एक आइडिया और माइंड बनाते हैं। स्ट्रिंग से क्या क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग में क्या क्या ऑपरेशन लग सकते हैं? बोलो। कॉपी, ओके। और स्ट्रिंग को कॉपी करना तो बिल्कुल सिंपल है, देखो ये लो इक्वल टू लगाओ और ये स्ट्रिंग कॉपी हो गया। यस ये देखो, इज इट ओके? और कुछ? Yes, और कोई ऑपरेशन? कंकैटिनेशन बिल्कुल। और कंकैटिनेशन और सर सर्च भी। हाँ जी, ऑपरेटर्स लगा सकते हैं। ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स कैसे लगा सकते हैं? ऑपरेटर्स किस ऑपरेशन के लिए लगाएंगे ना? स्ट्रिंग रिवर्स, रिवर्स करना। स्ट्रिंग रिवर्स जावास्क्रिप्ट में नहीं होता है। और बोलो। यस, स्ट्रिंग को रिवर्स तो कर सकते हैं, दैट्स एन ऑपरेशन ऑब्वियसली, लेकिन इट इज नॉट अवेलेबल इन जावास्क्रिप्ट। और कोई ऑपरेशन बचे? Compare on the basis of ASCII code, आप कह रहे हो? Yes, sir. Again, yes. नहीं है। Okay, और जैसे हमने स्ट्रिंग का कुछ पार्ट एक्सट्रैक्ट करना हो? यस, सब स्ट्रिंग निकालना, एक्सट्रैक्ट करना, तो सब स्ट्रिंग निकालने वाला ऑपरेशन हो सकता है। और कौन से ऑपरेशन हो सकते हैं? यस, रिवर्स है, कंपैरिजन है दो स्ट्रिंग का, कंकेटिनेशन है, सब स्ट्रिंग निकालना है। और कुछ जो आपके माइंड में आता हो? सर इंडेक्स, इंडेक्स किसका? बताओ
बिल्कुल सही है, थोड़ा सा इसको और एलेबरेट करो, थोड़ा सा और बोलो। सर, नंबर्स अगर स्ट्रिंग में हम दें तो उसका इंडेक्स निकाल हाँ, किसी भी वैल्यू। कैरेक्टर का या किसी भी सब स्ट्रिंग का इंडेक्स फाइंड आउट करना, किसकी पोजीशन क्या है। ठीक है, ओके। और हम सर्च भी कर सकते हैं कि कोई सब स्ट्रिंग है स्ट्रिंग में कि नहीं है, सर्च का ऑपरेशन हो सकता है। एनीथिंग एल्स, और कुछ आपके माइंड में आ रहा हो। सर लोअर केस में कन्वर्ट करना है या अपर केस में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऑल ओवर केस में कन्वर्ट करना, अपर केस में कन्वर्ट करना। ओके, और सर अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक क्या। सर जैसे जैसे याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा, चलो कोई नहीं, थोड़े से करते हैं। अब पहले आपने बोला था कंकैटिनेशन, तो कंकैटिनेशन करते हैं स्ट्रिंग वन की। ठीक है, वही देखो, हमने वेरिएबल या ऑब्जेक्ट आप कह लो उसको पिक किया, डॉट कंकैट, कंकैट होता है इसमें, और ऑब्वियसली लेंथ आपकी प्रॉपर्टी है, इसलिए लेंथ आपका सीधा सीधा लिखा गया, इसके साथ ये ब्रेसेस नहीं आई हैं। कंकैट इज ऑन ऑन द अदर हैंड अन अ फंक्शन, ठीक, और इसके आर्ग्यूमेंट में आप स्ट्रिंग लिखते हो, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, एक ये हो गई, जितनी मर्जी दे सकते हो स्ट्रिंग यहाँ पर, आप आपकी मर्जी है। ठीक है, एक तो कम से कम देनी पड़ेगी आपको, और उसके अलावा आप जितनी मर्जी दे सकते हो स्ट्रिंग्स। तो देखते हैं क्या आता है। इट ओके? और ओरिजिनल स्ट्रिंग पे इसका फर्क आता है कि नहीं वो भी देखते हैं हम साथ में। तो ये देखो, आएगा ओरिजिनल स्ट्रिंग पे असर, नो सर। ये देखो नहीं आएगा। इज इट ओके? तो ये क्या कर रहा है, बेसिकली इस स्ट्रिंग को कंकेटिनेट कर रहा है आर्ग्यूमेंट में जितनी भी स्ट्रिंग है उनके साथ इसी ऑर्डर में, ठीक, और जो रिजल्ट आ रहा है ना वो ए में जा रहा है, तो स्ट्रिंग वन पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। बेसिकली कंकेटिनेट करने के लिए आप ये भी यूज कर सकते हो, ये देखो ऑपरेटर आपका जो है प्लस ऑपरेटर, ठीक है, तो ये आप लिख भी सकते हो साथ में, लाइक गुड टू सी यू, यहाँ पर आप लिख दो, ऑब्वियसली प्लस प्लस, देखते हैं अब ए की वैल्यू, ये देखो सेम रह रही है, इसका मतलब सेम ऑपरेशन ही आपका परफॉर्म हो रहा है विद द प्लस आल्सो। इज इट ओके फर्स्ट ऑफ ऑल? यस सर। करें आगे? यस सर। ओके, इसके बाद आपको मैं ये दिखा देता हूं कि स्ट्रिंग रिवर्स, ठीक है, देखो ठीक है, स्ट्रिंग रिवर्स इज नॉट अ फंक्शन, देखते हैं प्रॉपर्टी है कि नहीं है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं आया, अनडिफाइंड, तो मतलब ना प्रॉपर्टी है रिवर्स की और ना ही फंक्शन है। इज इट ओके? इज इट ओके? ओके, यस सर। आगे मूव करते हैं। और कौन सा बोला था आपने, सब स्ट्रिंग, तो सब स्ट्रिंग का देखते हैं पहले, ये मेथड है। सब स्ट्रिंग में आपको इंडेक्स देना पड़ता है, लेट से मैं जैसे करता हूँ 3 से लेके 10 तक,
ठीक है, ये वो देखते हैं क्या आउटपुट आती है। ये देखो, इज इट ओके? 3 से लेके 10 तक, मतलब 30, ऑब्वियसली 0 से इंडेक्स शुरू हो रहा है, 0, 1, 2, ये सी आपका तीसरा एलिमेंट था, तीसरा करेक्टर था, तीसरे इंडेक्स पे था करेक्टर। तो 3 से लेके 10 तक, मतलब उसके बाद 4, 5, 6, सॉरी उसके आगे 10 करेक्टर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ऑब्वियसली सी 10वां है आपका। ठीक है, इज इट ओके? सी पहला, वो दूसरा, एम तीसरा, ई चौथा, स्पेस 5वां, टी ओ 6वां, 7वां, स्पेस 8वां, टी और एच 9 और 10। इज इट ओके? तो बेसिकली इसमें आपका स्टार्ट और लेंथ आता है कि कहां से स्टार्ट करना है और कितनी लेंथ आती है। इज इट ओके? इज इट ओके? अगर हम एक आर्गुमेंट देते हैं तो देखते हैं क्या होता है। ये देखो, एक आर्गुमेंट देते हैं तो वो आपका क्या किया उसने सर, स्टार्ट किया, बाकी सारा। सॉरी, दोबारा बोलना। टेंथ से स्टार्ट किया, बाकी सारा ही। आर यू श्योर 10th से स्टार्ट किया है? टेंथ से देखते हैं, देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यस, ये देखो 10th से स्टार्ट किया उसने, मतलब इस स्पेस से स्टार्ट किया है और सारा। तो मतलब ये कौन सी आर्गुमेंट है फिर? स्टार्टिंग। ये सिर्फ स्टार्ट आर्गुमेंट है आपकी, सॉरी स्टार्ट। ठीक है, और लेंथ अगर आप नहीं देते हो ना, लेंथ दिस इज ऑप्शनल, ये लेंथ आपकी जरूरी नहीं है देनी। अगर आप लेंथ नहीं देते हो तो एंड तक वो चला जाएगा बेसिकली। इज इट ओके? इज इट ओके? ओके, दूसरा ट्राई करते हैं कि माइनस अगर दे के देखते हैं, माइनस 3 से लेके मुझे 10 कैरेक्टर चाहिए, लेट्स सी क्या होता है। क्या हुआ? बोलो सर, लास्ट थ्री चले, लेकिन लेंथ तो 10 दी है बच्चे मैंने। सर उसने पीछे से काउंटिंग कर दी। बिल्कुल 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 सही, बिल्कुल सही। जब आप -3 दी, उसने पीछे से काउंटिंग की, 1, 2 और 3, ये एन आपका आया उसके बाद, एन मतलब यहाँ से शुरू करना उसने और 10 कैरेक्टर दिखाएगा वो। तो एन से शुरू किया, जी से शुरू किया, जी भी आ गया, एक्सक्लेमेशन का साइन भी आ गया, इसके बाद स्ट्रिंग खत्म हो गई। तो उसके बाद बाकी के 7 कैरेक्टर दिखाने को नहीं है। अगर यही मैं थोड़ा सा इसको चेंज करूं, -13 कर दूं, तो ऑब्वियसली आपको सारे 10 कैरेक्टर नजर आएंगे फ्रॉम यहाँ से 13 कैरेक्टर माइनस करके। ठीक है बच्चे, क्लियर है? बेसिकली आपको ये अगर वेरिएशंस नहीं याद हैं, बस आपको ये नाम तो याद होना चाहिए कि सबस्ट्रिंग होती है ऐसे, उसमें इंडेक्स क्या होता है, एक स्टार्ट देती है हम और एक लेंथ देते हैं। ठीक है, दिस इज द सिंटैक्स फॉर सबस्ट्रिंग। एक आप स्टार्ट बताते हो और लेंथ बताते हो, और आपकी लेंथ जो है वो ऑप्शनल है। ये आप जानते हो ना कि जो सिंटेक्स में आपका ये इस ब्रैकेट में आता है, जब सिंटेक्स हम एल्गोरिदम स्यूडो कोड यूज करते हैं, इस ब्रैकेट में जो चीज आती है वो ऑप्शनल होती है। ये आई थिंक आपने एसक्यूएल करते वक्त, एसक्यूएल के सिंटेक्स करते वक्त आपको याद होगा, आपने यूज किया था। यस सर, रिमेम्बर? यस सर। हाँ, दोनों नहीं पढ़ी हुई है ना, आईटी ने भी, बीसीए ने भी, दोनों ही पढ़ी हुई है ना, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हाँ, वही चीज ही है यहाँ पर भी।
अब एक और आपकी सबस्ट्रिंग वाला मेथड होता है, वह अगली लाइन पे लिखते हैं, उसमें पूरा लिखा जाता है सबस्ट्रिंग, और वो होता है स्टार्ट और एंड, तो वो भी देखते हैं अब। ए इज इक्वल टू स्ट्रिंग वन, और ऑब्वियसली देखो सबस्ट्रिंग हम ले रहे हैं लेकिन एक्चुअल स्ट्रिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है अगेन। तो अब हम सब स्ट्रिंग यूज करते हैं, लेट से मैं 5 से लेके 15 तक करता हूँ। लेट्स सी, देखते हैं क्या आती है आउटपुट। 5 से लेके 15 तक, तो ये देखो 0 W आपका, E1 पे, L2 पे, C3 पे, O4 पे और M5 पे। तो M से शुरू हुआ 5, ठीक है, M 6 E 7 आपका स्पेस, 8 9 2 10 आपका ये स्पेस, 11 12 13 14। 1 सेकेंड, कितना किया है हमने, 15। ऑब्वियसली तो 15वां कैरेक्टर आपका इंक्लूडेड नहीं है, इज इट ओके? 15 इज नॉट इंक्लूडेड इन दैट, एक्सक्लूडिंग द लास्ट 15th कैरेक्टर, तो आपका आ रहा है, इज इट ओके? यस सर। ओके, और कौन सा बोला था आपने ऑपरेशन? अपर केस लोअर केस बारी एक और चीज पर यहाँ पर भी एक चीज देख लेते हैं। लेट्स से 5 पे शुरू और 6 पे खत्म, देखो एक ही करेक्टर आ रहा है। तो अगर 5 5 लिखा हो तो कोई नहीं आएगा ना, ठीक है? ठीक है, ये वाला कैरेक्टर एक्सक्लूड होगा, इज इट ओके? जो एंड वाला कैरेक्टर होगा ना, एंड वाले इंडेक्स पे जो कैरेक्टर होगा वो नहीं आएगा, तो यही हम कम वाला करते हैं। अगर लेट से ये देखो क्या हुआ, उसने गाड़ी उल्टी चला दी, ठीक है, और थोड़ा कम करें, 0, देखते हैं अब। ये देखो, इज इट ओके? ठीक दिखा, वो सीधा ही रहा है, दिखा उल्टा नहीं रहा है वो, ठीक है, दिखा सीधा ही रहा है। समझ में आया ना बच्चे प्रॉपरली, कि हैं अभी भी डाउट्स? सर जो अभी किया है एक बार और बताना। मिनट, ये देखो कोड देखो आप, दिख रहा है कोड? यस सर। तो अब देखो इसने क्या किया, स्टार्ट आपने 5वें नंबर से करना है, तो ये देखो एक चीज और करते हैं आपके लिए, एक सेकेंड रुको। अब ठीक है, दोनों यस पैर, दोनों पैरलर चलेंगे, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। ये देखो 5 से शुरू करना है और 0 पे एंड करना है। 5 नंबर पे क्या था आपका, 0 1 2 3 4, एम एम आपका 5वें नंबर था, मतलब यहाँ से शुरू करना है और एंड आपने 0 पे करना है, मतलब यहाँ पे, ठीक है, मतलब यहाँ से शुरू और यहाँ पर एंड करना है, तो आपका नेगेटिव में एंड चला गया ना अब, पर स्ट्रिंग तो वो सीधी ही दिखाएगा ना जहाँ से, ऐसे ही। ये देखो यहाँ तक आई आपकी स्ट्रिंग, वेलको, ऑब्वियसली इस बार उसने ये आपका 5th पॉइंट जो है इसको एक्सक्लूड कर दिया है, इज इट ओके? यस सर। यस सर।
ओके, तो ऑब्वियसली नेगेटिव नंबर भी यूज कर सकते हैं हम जस्ट लाइक दिस, फिर वो आपकी यहां से शुरू कर देगा स्ट्रिंग को। करें आगे अगला मेथड, अगला मेथड करें, कोई डाउट तो नहीं अभी तक? ओके, नो अगला अगला आप कह रहे थे अपर केस टू अपर केस, देखते हैं क्या आती है आउटपुट। ये देखो ओके, ये तो सिंपल ही है। सिमिलरली टू लोअर केस, वैसे तो चलो अभी तक तो हमारा सब लोअर केस में ही है, तो हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं जिससे पता लग सके थोड़ा। देखो इज इट ओके, सारे कैरेक्टर छोटे हो गए, जो बड़े थे वो भी छोटे हो गए। आप और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में पढ़ते हो, टॉगल केस भी होता है, कैपिटलाइज भी होता है ना, सेंटेंस केस बोलते जिसको, इसमें वो अवेलेबल नहीं है, सिर्फ अपर केस और लोअर केस। इज इट ओके, इज इट ओके अभी तक? यस सर। ओके, तो दो और मेथड्स हम देखते हैं, फंक्शंस, सॉरी मेथड, जब मैं मेथड और फंक्शन बोल रहा हूँ ऑब्वियसली आप इसको समझ लो कि इंटरचेंजेबल टर्म ही है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में आपके मेथड नहीं फंक्शन बोले जाते हैं, जैसे सी प्लस प्लस में फंक्शन बोले जाते हैं ना, इसमें भी फंक्शन ही बोले जाते हैं। मेथड्स आपके जावा में मतलब एंटिटी सेम ही है, एंटिटी वही चीज ही है, बट फंक्शन बोला जाता है इनको। तो आगे मूव करते हैं, एक आपने कहा था इंडेक्स, तो सपोज मैंने फाइंड आउट करना है कि इंडेक्स क्या है किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग का, इंडेक्स ऑफ लेट अस से मेरे को द का इंडेक्स चाहिए, कि द का इंडेक्स क्या है, द कितने नंबर से शुरू होता है, तो लेट सी क्या आउटपुट आती है, 11। इज इट ओके, तो देखते हैं 11वें नंबर से शुरू हो रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 स्पेस 8 9 10, और सॉरी 0 से शुरू हुआ है ना, 6 तक आपका वेलकम स्पेस 7 T8 O 9 स्पेस 10, और देखो 11 से शुरू हो रहा है। इज इट ओके, यस सर। एक और चीज देखते हैं अब, थोड़ी सी स्ट्रिंग मैंने बड़ी कर दी है, ठीक है, दो बार दा आएगा, तो अब देखते हैं, ये देखो अभी भी क्या शो कर रहा है, 11, तो वो मतलब पहला इंडेक्स आपको शो करता है। सपोज ये दा मैं कैपिटल में लिखता हूं, अब देखते हैं क्या होता है, पहला दा कैपिटल में आ गया है, तो क्या है? अब देखते हैं कि ये केस सेंसिटिव मैच करता है या नहीं करता है, तो ये केस सेंसिटिव करता है कि नहीं करता है, केस सेंसिटिव मैच करता है ये, इज इट ओके। और लेट से हम कुछ ऐसा वर्ड ढूंढते हैं जो है नहीं हमारी मीटिंग में, हमारे स्ट्रिंग में, तो क्या आउटपुट आती है? ये देखो -1 का क्या मतलब है, ऑब्वियसली इट्स एन इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, -1 इसका मतलब है नहीं मिली वो स्ट्रिंग। इज इट ओके,
इंडेक्स ऑफ क्लियर है बच्चे सभी को? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, यस सर, यस सर। आई कैन सी देयर आर 20 पार्टिसिपेंट्स, बट मुझे आवाज दो तीन की क्यों आती है बच्चे? आप जब रिस्पॉन्ड करना हो ना, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ, ठीक है, और अपने क्वेश्चंस, अपनी एक्नॉलेजमेंट जरूर दिया करो, एटलीस्ट वंस इन अ लेक्चर, मतलब लेक्चर में एक बार तो एटलीस्ट दो ना, ठीक है। आगे मूव करते हैं। अब एक ऐसे ही आपका एक मेथड है लास्ट, बाय डिफॉल्ट इंडेक्स ऑफ क्या करता है, पहले इंडेक्स को ढूंढता है ना, तो आप लास्ट इंडेक्स ऑफ अगर देखें, चाहे मैं दा को सब नॉर्मल भी कर रहा हूं, तो वो पीछे से ढूंढेगा उसको और 47 ही दिखाएगा, ठीक है, वो ये वाला दा दिखाएगा। इज इट ओके? इज इट ओके? ऐसे बच्चे एक आपका और मेथड है, सिंपल सा, सर्च। देखते हैं सर्च क्या करता है। ऑब्वियसली लास्ट इंडेक्स ऑफ बी केस सेंसिटिव भी होगा, ये देखो ऑब्वियसली आपका, एक सेकेंड, मीट ये रहा, इज इट ओके? 51 ये वाला दिखाया उसने लास्ट, नॉट द फर्स्ट, इज इट ओके? क्यों उसने फर्स्ट नहीं दिखाया और लास्ट दिखाया, कारण बताओ। बिल्कुल, ये भी केस सेंसिटिव सर्च करता है, तो पहले वाले मीट का एम कैपिटल था, जबकि हमने सर्च कौन सा करना है, स्मॉल एम वाला, इसलिए उसने सेकंड वाला दिखाया, ये 51। Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. तो इतने काफी हैं कि एक और करवा दूं? सर बस काफी है सर। चलो बाकी के हम 4:15 वाले लेक्चर में देखते हैं और स्ट्रिंग हम खत्म कर देंगे उसके बाद। Is it okay? Yes, कुछ sir. पूछना, अभी भी 5 मिनट बाकी हैं बच्चे, कुछ पूछना हो You can ask. Sir? हाँ जी, बोलो बोलो। सर मैंने लेट ज्वाइन की थी, स्टार्टिंग से थोड़ा सा बता दूँ। कौन सा मेथड आपका मिस हुआ है? सर आपने डाउट है। कौन सा मेथड मिस हो गया बच्चे? ये देखो सारे मेथड लिखे हुए हैं, मैंने कोई कोई भी मतलब रब नहीं किया है, ओवर राइट नहीं किया है, सारे लिखे हुए हैं। लेंथ लेंथ किया था हमने, कंकैट किया था, उसके बाद सबस्ट्रिंग किया था, सबस्ट्री किया था, तो लोअर केस टू अपर केस, टू अपर केस ऑब्वियसली रिमूव हो गया है। मैंने अपर केस से स्टार्ट किया था, ऊपर वाले मेरे को नहीं पता क्या था। ओके, क्या नाम है बच्चे आपका? एक बार, हाँ जी, प्रभजोत। प्रभजोत, प्रभजोत आई हाँ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे लेंथ वाला जो है, मैं एक बार सारा कुछ रिपीट कर देता हूँ इन शॉर्टकट। ऑब्वियसली आउटपुट नहीं दिखा पाऊंगा मैं साथ साथ आपको, बट आप ओवरव्यू अब देख लो। एक तो बच्चे स्ट्रिंग डिफाइन करनी हो, सिंपल आप ऐसे डिफाइन करो स्ट्रिंग को, ठीक है। ऑब्जेक्ट के साथ भी मैंने डिफाइन करना बताया, लेकिन ये आपके लिए रिकमेंडेड है, आप ऑब्जेक्ट वाला अभी रहने दो। सेकेंड है लेंथ फाइंड आउट करनी है, लेंथ एक प्रॉपर्टी है आपकी, ठीक। स्ट्रिंग वन डॉट लेंथ लिखोगे तो उसकी लेंथ आ जाएगी स्ट्रिंग की, जितने भी कैरेक्टर्स होंगे ना उसके अंदर वो सारे आ जाएंगे। फिर हम कंकेटिनेशन के लिए यूज किया था हमने, ठीक है।
और आर्गुमेंट में आप जितनी मर्जी स्ट्रिंग दो सेपरेटेड बाय कॉमा, कॉमा से सेपरेट करके जितनी मर्जी स्ट्रिंग दो वो इसी ऑर्डर में कंकेटिनेट हो जाएगी इस स्ट्रिंग के साथ और रिजल्ट दे देगा वो, ठीक है? जैसे ही लिखा है ना स्ट्रिंग वन में होगा, यस यस हाँ, कॉमा से सेपरेट करना है, पहली स्ट्रिंग दी कॉमा लगा के हम जितनी मर्जी स्ट्रिंग दे दें, 10 दो आप 15 दो, पर एक कम से कम एक जरूर देनी है आपने, ठीक है? इज इट फाइन? हाँ, नेक्स्ट है आपकी सब स्ट्रिंग, नेक्स्ट है आपकी सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग का सिंटेक्स होता है स्टार्ट वैल्यू देनी है आपने कि कहाँ से शुरू करना है, इंडेक्स देना है यहाँ पर। जैसे कि अगर मैं चाहता हूँ कि टू से शुरू हो तो टू टी का इंडेक्स है 7, तो मैं यहाँ पर 7 लिखूंगा, और मैं चाहता हूँ आगे 10 कैरेक्टर दिखाई दें तो मैं लेंथ में 10 लिखूंगा, ठीक है? कहाँ से शुरू करना है और आगे कितने कैरेक्टर्स दिखाने हैं वो आपके सब स्ट्रिंग में आता है। ऐसे ही एक सब स्ट्रिंग, एक और मेथड भी है आपका, इसमें आपका स्टार्ट इंडेक्स और आप एंड इंडेक्स बताते हो। जैसे कि मैंने 2 से शुरू करना है तो मैं यहाँ 7 लिखूंगा, और लेट से मैंने गुड पे खत्म करना है तो गुड का जैसे डी है, डी का इंडेक्स है 25, तो मैं 26 लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि एक कम तक ही दिखाता है वो, ये इस वाले इंडेक्स को एक्सक्लूड कर देता है। उसके बाद आपका 2 अपर केस ऑब्वियसली कैपिटल लेटर में कर देगा, 2 लोअर केस आपका स्मॉल लेटर्स में कर देगा। इज इट ओके? यस। आगे के तो आपने, आगे के तो आपने किए हुए हैं। चलो इसको प्रैक्टिस कर लेना, स्टिल आपको कोई डाउट होता है कल में से आते ही पूछो, और बहुत थोड़ा थोड़ा करवाऊंगा अब मैं आपको, और उसी दिन आप प्रैक्टिस करो थोड़े थोड़े को ही, और अगले दिन आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है? थैंक यू सर। ओके बच्चे, कोई और किसी का क्वेश्चन कोई डाउट पूछ सकता है बच्चे? किसी और का कोई क्वेश्चन डाउट यू कैन आस्क? नहीं है, मीटिंग एंड कर दूं बच्चे? चलो फिर मैं मीटिंग खत्म करता हूँ। Okay, so.